पंजाब किंग्स के खिलाफ लगातार 5 हार के बाद आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स जीत ही गई। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रनों से हरा दिया है। रविंद्र जाडेजा की धारदार गेंदबाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 167 रनों का स्कोर खड़ा किया था, वहीं जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बहुत ही निराशाजनक रही। पंजाब किंग्स ने महज 9 के भीतर भीतर अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए। पंजाब किंग्स की ओर से सबसे अधिक रन प्रभु सिमरन सिंह ने बनाए, जिन्होंने 23 गेंदों पर 30 रन बनाए और अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए। हालांकि दूसरी तरफ जॉनी बारिस्टो, रैनी रोशो और सैम करन भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी में फिसड़ी साबित हुए। आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स के हीरो शशांक सिंह ने भी 20 गेंदों पर महज 27 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की मौजूदा सीजन में 11 मैच में यह 6ठी जीत रही है और अब वह अंक तालिका में 3रे नंबर पर पहुंच गई। दूसरी ओर पंजाब किंग्स की यह 11 मैचों में 7वीं हार रही। चेन्नई सुपर किंग्स के जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स के गेंदबाजों और बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। पहले तो बल्लेबाजी में रविंद्र जाडेजा ने 43 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में 3 विकेट लेकर पंजाब किंग्स को हराने में एक अहम रोल अदा किया। पंजाब किंग्स की ओर से बल्लेबाजी में प्रभु सिमरन सिंह और शशांक सिंह ने भी कमाल कर सके। हालांकि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे प्रभु सिमरन सिंह ने 30 और शशांक सिंह ने 27 रन बनाए। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रविंद्र जाडेजा के अलावा समरजीत सिंह और तुषार देशपांडे ने भी गेंद से धांसू प्रदर्शन किया। दोनों तेज गेंदबाजों ने 2-2 विकेट चटकाए। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 167 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रविंद्र जाडेजा ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। रविंद्र जाडेजा ने 26 गेंदों की पारी में 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए। उनके अलावा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 और डेरियन मिचेल ने 30 रनों का उपयोगी योगदान दिया। हालांकि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खाता भी नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर आउट हुए उन्हें हर्षल पटेल ने क्लीन बोल्ड किया। पंजाब के लिए हर्षल पटेल राहुल चहर के 3 विकेट लिए, वहीं अर्शदीप सिंह को 2 सफलताएं मिली। इस मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। तेज गेंदबाज मिस्तफुज रहमान की जगह पर कीवी ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर को मौका मिला। मिस्तफुज रहमान नेशनल ड्यूटी पर बांग्लादेश लौट चुके हैं। दूसरी ओर पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किया था। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच हमेशा से ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिला है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 मैच जीते हैं जबकि पंजाब किंग्स को 15 मैचों में जीत मिली है। हालांकि दोनों टीमें दूसरी बार इस सीजन आमने सामने हुई थी। इससे पहले 1 मई को दोनों ही टीमों के बीच चेपोक में मैच हुआ था, जिसमें पंजाब किंग्स ने 7 विकेटों से जीत हासिल की थी।